वैसे तो आप उत्तराखंड में किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो गर्मियों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। जब मैदानी क्षेत्रों में गर्मी अपना कहर बरपा रही होती है तो यहाँ की ठंडी और शांत वादियाँ एक अलग ही सुकून देती हैं। लेकिन अगर बात करें सर्दियों की तो यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जिनका असली आनंद आप सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की उन 7 बेहद ही खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आप सर्दियों में घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या है इन जगहों की खासियतें, यहां कैसे पहुंचा जाए, कहां रुकें, आसपास क्या देखें और भी बहुत कुछ। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाने के साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है चोपता। यहाँ की खूबसूरती का अंदाज आप इससे भी लगा सकते हैं कि चोपता को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चोपता से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना शिव मंदिर तुंगनाथ। सर्दियों में मंदिर के कपाट तो बंद रहेंगे, लेकिन वहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। और मंदिर से थोड़ा सा ऊपर जाने पर आप पहुँचेंगे चंद्रशिला। अगर प्रकृति की मेहरबानी रही तो आप खुद को बादलों से ऊपर महसूस करेंगे। चोपता पहुंचना बेहद आसान है। नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन है हरिद्वार और वहां से चोपता की दूरी 223 किलोमीटर है। सुबह सुबह आपको हरिद्वार से ऊखीमठ के लिए बस मिल जाएगी और शाम तक आप ऊखीमठ से चोपता पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। रुकने के लिए होटल चोपता में मिल जाएंगे और आप चाहें तो पहले दिन ऊखीमठ में भी रुक सकते हैं। जब भी आप चोपता का प्रोग्राम बनाएं तो उसके साथ ही ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर, जो केदारनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल है, और सारी गांव के पास स्थित खूबसूरत देवरिया ताल जाना मत भूलिएगा। थोड़ी देर घने जंगल में भी अपना समय जरूर बिताइएगा, क्योंकि रोड साइड में इतना घना जंगल आमतौर से कम ही मिलता है। औली एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां आप सर्दियों में चले जाएं तो कभी भी उस जगह को भूल नहीं पाएंगे। चारों तरफ बिखरी हुई बर्फ, सामने खूबसूरत नज़ारे, एक बेहद लंबा रोपवे और स्कीइंग का रोमांच। यहां इतनी सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी कि दिल खुश हो जाएगा। औली दरअसल एक बुग्याल है। बुग्याल यानी कि काफ़ी ऊँचाई पर स्थित घास का मैदान। ये 2,500 मीटर से लेकर 3,500 मीटर की ऊँचाई तक फैला है, और जब इस हरे भरे बुग्याल में सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो उसका नज़ारा ही अलग होता है। आप यहाँ स्कीइंग भी कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हरिद्वार से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। पहले आप पहुँचेंगे जोशीमठ, जो हरिद्वार से लगभग 272 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें आप मान के चलिए कि लगभग पूरा दिन लग जाएगा और उस दिन आप जोशीमठ में ही रुकेंगे। जोशीमठ से औली की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी से भी तय कर सकते हैं या फिर रोपवे से भी। एक अलग अनुभव के नज़रिए से देखें तो रोपवे से जाना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। रुकने के लिए यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी है, और आप चाहें तो जोशीमठ में भी रुक सकते हैं। वहाँ आपको कई होटल रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। जब भी औली घूमने आएँ तो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और शंकराचार्य जी की गद्दी के दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। नैनीताल तो आप चाहे सर्दियों में आएं या फिर गर्मियों में, यहाँ का आनंद ही कुछ अलग है। सर्दियों में होने वाली बर्फबारी से नैनीताल एकदम अलग दिखाई देने लगता है। नैनीताल की एक सबसे खास बात है कि यहाँ पहुँचना दूसरे हिल स्टेशनों की तुलना में काफ़ी आसान है। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, और काठगोदाम से यहाँ की दूरी सिर्फ 36 किलोमीटर है। आप सुबह 6 बजे दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ेंगे तो 12:15 बजे तक होंगे काठगोदाम, और बहुत आराम से 1:30 बजे तक नैनीताल। इतना आसान है यहाँ पहुँचना। नैनीताल में घूमने की बहुत जगह हैं। यहाँ वोटिंग तो करेंगे ही, साथ में नैना देवी मंदिर, चाइना पीक, स्नो व्यू पॉइंट, इको केव गार्डन, माल रोड, हिमालयन जू आदि देख सकते हैं, और साथ ही पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं। नैनीताल में काफ़ी संख्या में होटल उपलब्ध हैं जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। गर्मियों में तो कई बार यहाँ रूम मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सर्दियों में सही रेट में कमरे उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो मल्लीताल में तिब्बती मार्केट में
कुछ नया टेस्ट कर सकते हैं और साथ ही अपने घर के लिए यहाँ की प्रसिद्ध नमकीन ले जाना न भूलें। पहाड़ों की रानी मसूरी के बिना तो सर्दियों का मजा ही नहीं है। नैनीताल की तरह मसूरी पहुंचना भी बेहद आसान है। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है देहरादून। देहरादून से यहाँ की दूरी सिर्फ 34 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से भी तय कर सकते हैं। सर्दियों में आपको मसूरी में तो बर्फ मिल ही सकती है, लेकिन अगर वहाँ न मिले तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, लाल टिब्बा या फिर धनोल्टी। मसूरी में माल रोड, तिब्बती बौद्ध मंदिर, कैमल्स बैक रोड, हाथी पांव, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्राइस्ट चर्च, कंपनी बाग जैसी कई जगह आपको घूमने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा मसूरी से कुछ ही दूरी पर है कैंप्टी फॉल, लेकिन सर्दियों में वहां जाने का कोई मतलब नहीं। अगर रुकने की बात करें तो मसूरी में कई होटल हैं, आप अपने बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। यहाँ भी गर्मियों की तुलना में सर्दियों में कमरे आसानी से और किफ़ायती दरों में मिल जाते हैं। हो सकता है आपके लिए जागेश्वर एक नया नाम हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप भीड़ भाड़ से दूर देवदार के घने जंगल के बीच प्रकृति का आनंद लेना चाहें तो इससे बेहतर और कोई दूसरी जगह नहीं। जटागंगा नदी के तट पर है जागेश्वर। जागेश्वर मुख्य रूप से भगवान शिव का मंदिर है। दरअसल ये एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर समूह है। सर्दियों में यहाँ अक्सर बर्फ पड़ती है और देवदार के पेड़ों में अटकी बर्फ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। यहाँ पर रुकने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है और बाकी प्राइवेट होटल्स भी। रीजनेबल रेट पर आप यहाँ आसानी से रुक सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए पहले आपको आना होगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन और फिर बस या टैक्सी से अल्मोड़ा होते हुए आप पहुँचेंगे जागेश्वर। काठगोदाम से यहाँ की दूरी लगभग 116 किलोमीटर है। उत्तराखंड का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है हरसिल, और सर्दियों में यहाँ पड़ने वाली बर्फ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही हरसिल अपने स्वादिष्ट सेब और राजमा के लिए काफी फेमस है। रुकने के लिए यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है और बाकी प्राइवेट होटल्स भी। एकदम बगल में बह रही भागीरथी के पानी का शोर आप हर समय महसूस करते रहेंगे। यहाँ से नजदीक पर ही है गंगोत्री का शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा, यानी सर्दियों में जब गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा की पूजा मुखबा में होती है। आप मुखबा जाकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ घूमने के लिए खुला आसमान है, आप कहीं भी प्रकृति के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। 2620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हरसिल और इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 260 किलोमीटर है। यहाँ के लिए आपको आसानी से बस या टैक्सी मिल जाएगी। अगर सीधी बस न मिले तो आपको पहले आना होगा उत्तरकाशी और फिर उत्तरकाशी से हरसिल। अगर आप डेली रूटीन से थोड़ा बोर हो गए हैं और सर्दियों में कुछ अलग जगह जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है चकराता। 2100 मीटर की ऊंचाई पर बसा चकराता एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और सर्दियों में यहाँ अक्सर बर्फबारी भी हो जाती है। एक अलग संस्कृति को समझने और प्रकृति से रूबरू होने के नज़रिए से चकराता आपको हमेशा पसंद आएगा। यहाँ का पहनावा, खान पान, बोली भाषा, आर्किटेक्ट और भी बहुत कुछ एकदम यूनिक है, जैसा शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा। यहाँ पहुँचना भी आसान है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून से यहाँ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। रुकने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस के अलावा प्राइवेट होटल्स भी उपलब्ध हैं। चकराता स्टार गेजिंग यानी खुले आसमान में तारों को निहारने को लेकर भी प्रसिद्ध है। यहाँ से आप टाइगर फॉल्स, बुढ़ेर, देवबन, हनोल आदि जगहों को भी घूम सकते हैं। देवबन अपनी भारी बर्फबारी के लिए फेमस है। जब आप यहाँ आएंगे तो तब आपको एहसास होगा कि चकराता को पहाड़ों का राजा क्यों कहा जाता है। वैसे उत्तराखंड में इन सात स्थानों के अलावा भी सर्दियों में घूमने की काफी जगह हैं, जिनमें अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, लैंसडाउन, त्रिजुगी नारायण आदि शामिल हैं। आप चाहे किसी भी स्थान पर जाएं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये सभी जगह बेहद ही ठंडी हैं और आपके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े आदि होने चाहिए, जिस पर जैकेट, टोपी, ग्लव्स, मफलर आदि अनिवार्य रूप से रख लीजिएगा। अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग भी यात्रा कर रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
आप इन जगहों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या फिर कोई अपना टूर प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर चैनल को करें सब्सक्राइब।